फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि सारा वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रुप डी का पेपर जो था आज का साराशिप का पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैथ से 25 क्वेश्चन आया था जिसमें गुड आइटम गया है। फर्स्ट शिफ्ट में 16 to 21, सेकंड में 14 to 17 और थर्ड में 16 to 21। ठीक है, तो ओवरऑल मैथ्स का पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था और रीजनिंग पेपर जो था आउट ऑफ 30 क्वेश्चन गुड आइटम गया है 20 to 23 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में 18 to 22 और थर्ड में 20 to 23। तो रीजनिंग का पेपर ईजी टू मॉडरेट था। जनरल साइंस में गुड आइटम गया है 14 to 18, 19 to 21 और 14 to 18। ठीक है, और करंट अफेयर से क्वेश्चन 20 आया था तो 14 to 15 फर्स्ट आइटम में गया है, फर्स्ट शिफ्ट में गया है गुड आइटम, और सेकंड में 13 to 15, थर्ड में 14 to 15। तो ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में ओवरऑल गुड आइटम गया है 65 to 72, सेकेंड में 63 to 74 और थर्ड में 65 to 72। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जनरल साइंस का क्वेश्चन कैसा था देख लीजिए। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड किडनी। नर्वस सिस्टम और किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन था एक, और फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी पूछा गया है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है एड्स स्प्रेड्स ड्यू टू व्हाट? कौन सा वायरस से स्प्रेड होता है एड्स? HIV वायरस। मॉडर्न पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन था हाउ मेनी नंबर पीरियड्स। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। व्हिच ऑर्गन इन आवर बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड? ब्लड को प्यूरिफाई कौन सा ऑर्गन करता है? लंग्स। व्हिच हु डिस्कवर्ड प्रोटीन? प्रोटीन डिस्कवर कौन किए हैं? बर्जेलियस। व्हिच आर द परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो परमानेंट टिश्यू है प्लांट का। व्हिच इज द लार्जेस्ट फाइलम? व्हिच इज द लार्जेस्ट फाइलम? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है हु कैरीज डेंगू वायरस? डेंगू वायरस कौन कैरी करता है? मॉस्क्यूटो। नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम इजी। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड? विंड का स्पीड मेजर करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट? एनीमोमीटर। ठीक है, व्हिच इज द मेन रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ विंड? विंड का मूवमेंट के पीछे कौन सा रीजन है? अनइवन हीटिंग बाय द सन। हीटिंग बाय द सन मतलब सन के कारण जब हीट होता है उस टाइम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई टू लो जाता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, तो उसी के कारण विंड जो है उसका भी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए व्हिच कंपोनेंट इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन द मैक्सिमम अमाउंट? ह्यूमन मैक्सिमम अमाउंट कौन सा कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी में? एक्चुअली ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो इसमें से नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा आप उस टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट है व्हिच टिश्यूज परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी? एपिथेलियल। व्हाट आर सीरियल्स मेनली कंपोज्ड ऑफ? ये क्वेश्चन आया था। व्हाई डज देसी घी स्मेल गुड? ये क्वेश्चन भी था। नेम द कलर व्हिच इज डिस्पर्स मैक्सिमम इन द रेनबो। रेनबो में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डिस्पर्स्ड होता है? वायलेट। व्हिच एसिड इज जनरली प्रेजेंट इन द बैटरी? बैटरी में कौन सा एसिड जनरली प्रेजेंट? नेक्स्ट है व्हिच कंपोनेंट क्रिएट्स द ग्रीन कलर इन लीव्स? लीव्स में ग्रीन कलर, पत्ता पे जो ग्रीन कलर होता है वो मतलब कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करता है? क्लोरोफिल। ये जानते हैं सबको ही। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ वन आरबीसी? आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन है? 115, 115 दिन। इफ देयर इज नो एटमोस्फियर व्हाट विल द स्काई लाइक लुक लाइक? मतलब आसमान कैसा दिखेगा अगर एटमोस्फियर नहीं रहेगा? तो जैसे मून में आप जाएंगे तो वहाँ स्काई क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ठीक है, नाइट हो चाहे डे हो ब्लैक दिखता है। द स्काई वुड बी ब्लैक बोथ नाइट एंड डे। और देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है फर्स्ट शीट में। नेम द ग्लव्स व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन? प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, क्रूक्स ग्लव्स। ठीक है, सन का प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ग्लव्स यूज होता है? क्रूक्स ग्लव्स। हु बिकेम द मिस यूनिवर्स 2017? डेमी-लेई नेल-पीटर्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? इंडिया का पोजीशन क्या है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 57। who wrote Lincoln in the Bardo? George Sanders. Who is the current Prime Minister of Japan? जापान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन होम द थर्ड बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउंड, हु ओन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2017 एंड 18। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कौन जीते हैं? रॉजर फेडरर। हु इज द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? इंडिया का आरबीआई गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। अर्जुना अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? अर्जुना अवार्ड कौन सा रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से। गोवर्धन योजना वाज लॉन्च बाय व्हिच स्टेट? हरियाणा लॉन्च किए हैं गोवर्धन योजना। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। व्हिच ऑर्गन इन आवर बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड? ब्लड को प्यूरिफाई कौन सा ऑर्गन करता है? लंग्स। व्हिच हु डिस्कवर्ड प्रोटीन? प्रोटीन डिस्कवर कौन किए हैं? बर्जेलियस। व्हिच आर द परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो परमानेंट टिश्यू है प्लांट का। व्हिच इज द लार्जेस्ट फाइलम? व्हिच इज द लार्जेस्ट फाइलम? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म सेल ऑर्गेनेल्स? कार्ल ऑगस्ट मोबियस। नेम द एलिमेंट यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? टंगस्टन। केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का केमिकल फार्मूला क्या है? KAlSO4 2। KAlSO4 2 पोटेशियम। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन? विटामिन का केमिकल नेम पूछा गया है, तो आप सारा विटामिन का केमिकल नेम पढ़ लीजिए। इसमें फाइंड आउट नॉन मेटल पूछा गया है, GAG, CL, SE, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ टीयर्स फ्रॉम आइस? टीयर्स का pH वैल्यू कितना है? 6.5 to 7.6। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। एक एटम में आउटर मोस्ट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? 8 नंबर। ठीक है। इन व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू द टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रोटेट? एक्सोस्फीयर। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट रोटेट कहाँ करते हैं? और देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है फर्स्ट शीट में। नेम द ग्लास व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, क्रूक्स ग्लास। ठीक है, सन का प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ग्लास यूज होता है? क्रूक्स ग्लास। Who became the Miss Universe 2017? Demi-Leigh Nel-Peters. What is the position of India? India का position क्या है? Next देखिए, between whom the third battle of Plassey was found, who won Australia Open tennis 2017 and 18? Australian Open tennis कौन जीते हैं? Roger Federer. Who is the RBI Governor of India? India का RBI Governor कौन है? Urjit Patel. Arjuna Award is related to what? Arjuna Award कौन सा रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से। मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि सारा वीडियोस आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट सेकंड सीट का देखिए, मैथ्स से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया देख लीजिए एक बार। देखिए, पाइप सिस्टम से 3 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन और देखिए प्रॉफिट लॉस से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इफ एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4600, ठीक है, और एसपी दिया हुआ है, देन फाइंड आउट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग से ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है थर्ड शिफ्ट में जनरल साइंस का क्वेश्चन। देखिए, व्हिच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? सबसे लोएस्ट लेयर एटमॉस्फेयर का कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। पीएच वैल्यू ऑफ बटर, बटर का पीएच वैल्यू कितना है? 6.1 to 6.4। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन सलीवा, ह्यूमन सलीवा का पीएच वैल्यू कितना? 6.5 to 6.8। देखिए, पीएच वैल्यू बहुत पूछा जा रहा है, तो आप जितना हो सके आप पढ़ लीजिए। फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या है? नेफ्रॉन। व्हाट इज द शेप ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का शेप क्या है? नेक्स्ट, व्हाट इज फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? एक्चुअली रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, इसका देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बीजी प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस ए हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो उसका नाम है रिलैक्सिन। व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज द ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करता है कौन सा ऑर्गन? किडनी। वेयर आर एल्वियोली प्रेजेंटेड एंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। व्हिच हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडी, इसमें ऑप्शन था Li, B, C और H, हीलियम, तो इसका आंसर होगा हीलियम। जैसे जैसे हम बताए जा रहे हैं, आप अगर जल्दी जल्दी में आप नहीं देख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन। हु ओन द जापानी हुकुवाका अवार्ड, 2017 में जापानी हुकुवाका अवार्ड कौन सिंगर को मिला है? फॉर कंट्रीब्यूशन टू साउथ एशियन ट्रेडिशन फ्यूजन म्यूजिक, कंट्रीब्यूशन किए थे कौन? ए.आर. रहमान। नेम द राइटर ऑफ अनंतमठ, अनंतमठ का राइटर का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन प्रेजेंट किए थे फर्स्ट रेल बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जॉन माथाई। नेक्स्ट है, व्हिच बैंक हैज स्टार्टेड द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ आधार कडबे सत्यम, आधार कडबे सत्यम इंडिया में कौन बैंक फर्स्ट इनिशिएटिव किए थे? एक्सिस बैंक, ठीक है। फ्रॉम व्हिच कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस हुए थे कौन सा कंट्री से? जापान, ठीक है। वेयर इज द टेम्पल ऑफ केंद्रीय महादेव स्टैचू सिचुएटेड? मध्य प्रदेश। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिएगा।